हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज, आज हम बात करेंगे आसियान कंट्री की, जो कि आसियान में आपको पता है कि जो ये आपका क्लास पॉलिटिकल की जो ट्वेल्थ क्लास है, ये पॉलिटिकल साइंस की जो ट्वेल्थ की क्लास है, मतलब इसमें आपको जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, जो कि मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट में क्या क्या करना है, वो वाली वीडियोज़ आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसी टॉपिक के बिहाफ पे ये सपोर्टिंग मटेरियल से मैं आपको सारा सब्जेक्ट करवा रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कल हमने आपको देखा EU टॉपिक कवर किया था, अगर ना देखा हो तो आप प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहाँ से चेकआउट कीजिए, और जितने भी प्लेलिस्ट में हैं आप जाके स्ट्रेटजी भी आप एक बार चेक कीजिए, आप कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी जाके चेक कीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो गाइज, आप सबका स्वागत है SS अकेडमी पे। तो आज हम बात करेंगे एशियन कंट्री की। तो एशियन कंट्री में सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसे एशियन कहते हैं। आपको पता ही है एशियन जो है, सबसे पहले 8 अगस्त को इसका एशियन डेज सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आप मेंशन रखना। कब? 8 अगस्त को। कब किया जाता है? 8 अगस्त को एशियन डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो ये बना था, ये जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1967 में हुआ था, तो ये भी चीज़ याद रखना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एशियन का जो एशियन है, इसका जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं? बैंकॉक डिक्लेरेशन, क्योंकि ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के बिहाफ पे ही, बैंकॉक डिक्लेरेशन के बिहाफ पे कि एशियन बना था। तो आप याद रखना हमेशा। तो एशियन का दूसरा नाम, एशियन को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता देना, बैंकॉक डिक्लेरेशन से। तो आपको पता है जब ये 1967 में एशियन बनना था, तो उस टाइम सिर्फ 5 मेंबर थे, नाउ प्रेजेंट 10 मेंबर। मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा, वो आपको 10 के 10 मेंबर याद हो जाएंगे। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप कंप्लीट लिख के आना, जिससे कि सर को लगे हाँ भाई बच्चा लिख, मतलब कि टैलेंटेड है आप, मतलब कि आप बढ़िया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेपर को, रटे नहीं है। तो आप पूरा देख लीजिए, कंप्लीट क्लास देख लीजिए, कुछ भी चीज़ें बाहर नहीं जाएगी। देखिए गाइस, आपको मैंने बताया कि 1967 में ये इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू हुई थी, और उस टाइम में 5 मेंबर था। नाउ प्रेजेंट कितने मेंबर है? नाउ प्रेजेंट आपके 10th मेंबर है। तो वो जो 5th मेंबर थे, वो 5th मेंबर कौन कौन से थे, तो आपको मैं बता दूँ सबसे पहले कि पहले तो इंडोनेशिया था, फिर यहाँ पर लिखा हो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये आपको पता है बैंकॉक डिक्लेरेशन के बिहाफ पे बना था, इसलिए बैंकॉक डिक्लेरेशन और दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 9% कितने देश हैं? 10 देश हैं। उन 10 देशों के नाम बता दूंगा। और एक चीज़ याद रखना यहाँ पे कि जो कंबोडिया है, क्या यहाँ पे जो कंबोडिया है, यहाँ पे तो कंबोडिया जो है 10th मेंबर बना है इसका, ये एशियन का। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो बोलेगा, जो 10th मेंबर जो बना है एशियन का, वो कौन सा है? कंबोडिया है। कौन है? कंबोडिया। और ये 1999 में इसका मेंबर बना था। तो ठीक है गाइस, ये चीज़ याद रखना यहाँ पे। और आगे देखते हैं हम जो इनका मेन मोटिव है, आगे कह रहा है ओवर द ईयर ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम और लाओस, ये सब म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, एशियन को जुड़ा, और एशियन की टोटल कितनी मेंबर हो गई? 10। तो आप एक चीज़ याद रखना, शुरुआत से आप सारे मेंबर याद रखना। देखो, सबसे पहले आपके पास हो जाएगा इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया होगा मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, फिर यहाँ पर हो गया आपके पास में मतलब सी से कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, तो ये दारुसलाम हो गया, और यहाँ ब्रुनेई हो गया। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, मैं आपको ये ट्रिक के माध्यम से भी आगे बता दूंगा। चलिए मैं ट्रिक यहीं पे बता देता हूँ। इसका ट्रिक है कि तुम बी एस सी करके 2 MM, ठीक है, ये 2 MM TV पर IPL देखें गाइस। इसमें क्या चक्कर है इसका, कि जैसे मैं आपको बता दूं, देखो बी से आपके पास होगा ऐसे याद ना, तुम बी एस सी आपको पता है कॉलेज में होता है, जो साइंस करते हैं, BSc करके 2 MM पर्दा होता है, जैसे आप मूवी देखने जाते हैं 70 MM का पर्दा होता है, उसी तरह 2 MM TV पर IPL देखते हैं। तो इस तरह याद रखना, बी से हो जाएगा आपका ब्रुनेई, एस हो जाएगा सिंगापुर, सी से होगा आपको बताया सी से कंबोडिया हो जाएगा, ये 2 M है, 1 M से म्यांमार हो जाएगा, एक एम से यहाँ पे म्यांमार हो गया, फिर यहाँ पे एक मलेशिया हो जाएगा, अब मलेशिया के बाद आपके पास टी से एक थाईलैंड हो जाएगा, वी से आपका वियतनाम हो जाएगा, आई से आपको इंडोनेशिया हो जाएगा, पी से फिलीपींस हो जाएगा, एल से लाओस हो जाएगा। तो आपको इस ट्रिक से दसों मेंबर के नाम याद हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो याद रखना, ये से आप नोट डाउन करके ले जाना। अब आगे देखते हैं
जो ये एशियन का फ्लैग है, आपको पता है ये एशियन का फ्लैग ये रिप्रेजेंट करता है कि 10 जो साउथ ईस्ट एशियन की कंट्री हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट में इसको तीन चीज़ रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले इसमें जो बना है ये तो सबसे पहले पैडी, जो धान होते हैं ना, धान की जैसे एक शेप से बना हुआ ये इसके सिंबल में। और देखना है आपको, मैं बता दूँ कि जैसे आपने देखा एशियन कंट्री है, ये टुगेदर फ्रेंडशिप को दिखाता है और सॉलिडिटी को और सल्कर सिंबल को, मतलब इनका मानना होता है कि सिक्योरिटी एक्शनल देखनी हमें, अपने पावर और अपने देश में शांति बना के रखनी है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो ये 10 मेंबर ये जिम्मेदारियाँ हैं। तो उसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव, एशियन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। मैंने बताया इकोनॉमिक को ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, सोशल प्रोग्रेस देखना और कल्चर डेवलपमेंट देखना, मतलब देश में शांति बनी रहे, देश में सुरक्षा बनी रहे और देश में जो अर्थव्यवस्था है वो भी बनी रहे। तो गाइस ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, और इनका मेन मोटो होता है कि स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन रूल लॉ एंड प्रिंसिपल यूनाइटेड चार्टर, जो यूनाइटेड यूएनएन में, जो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग जो इनको अपने पास, इनका जो मोशन होता, जो प्रमोट करने का अपने मतलब रिलीजियन पीस होता है, मतलब स्टेबिलिटीज होता है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके प्रिंसिपल्स हैं। क्या है? प्रिंसिपल्स हैं। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर आप एग्जाम में जरूर नोट करके आना है, इनका मोटो क्या होता है। इनका मोटो, मेन मोटो इनका है कि जो इनका एक्चुअल में जो होता है इनका, कि इनका मेन मोटो है वन विज़न। क्या यहाँ पे वन विज़न, इसका मोटो बताना आप यहाँ पे, वन विज़न आगे आएगा, वन विज़न होता, वन आइडेंटिटी, याद रखना आप वन आइडेंटिटी, और यहाँ पाएगा वन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी मतलब एक समुदाय होना चाहिए, एक दृष्टि होना चाहिए और एक हमारी पहचान होनी चाहिए, ये इसका मोटो था। तो आप एग्ज़ाम में ये भी लिख के आना, ठीक है। आगे देखते हैं इनका वे क्या है था? इनको इंट्रैक्शन करना होता है इनफॉर्मल और इनफॉर्मलिस्ट कॉरपोरेटिव में। सबसे पहला काम है इनका सिक्योरिटी देखना, दूसरा था इकोनॉमिक ग्रोथ देखना, तीसरा था सोशल कल्चर को देखना। ये इनका मेन मोटो के अंदर इनका जो कम्युनिटी है वो थ्री पिलर्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं यहाँ पे? थ्री पिलर्स कहते हैं। तो मैंने आपको मोटो भी बता दिया और थ्री पिलर्स, आप दोनों एग्जाम में यहाँ पे आपने थ्री पिलर लिखना है और यहाँ पे मोटो लिखना है। तो मोटो भी मैंने आपको बता दिया, वन वन विजन हो गया, वन आइडेंटिटी हो गया, वन कम्युनिटी हो गया। तो यहाँ से इस तरह से आप आंसर अपना लिख के आएंगे। दूसरा है यहाँ पे कि जो एशियन रीजन होता है उसे एआफआर कहते हैं। ये 1994 में बना था, जो कि एक मतलब कोऑर्डिनेट था कि फॉरेन, मतलब कि इनके पास में जो फॉरेन पॉलिसी थी उनको बढ़िया करना और सिक्योरिटी को बढ़िया करना, ये भी ध्यान रखना आप यहाँ पे। अगला देखते हैं जो एशियन वाला है यहाँ पे, हाँ यहाँ से जो ये रिलेवेंस एशियन का, मतलब इनका मेन फोकस क्या है। इनका मेन फोकस होता है कि एफटीए मतलब कि फ्री ट्रेड एरिया पे इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे लेबर सर्विस पे। फिर यूएसए एंड चाइना हैव ऑलरेडी मूव टू द नेगोशिएशन एफटीए एशियन, इनके साथ बात करने के लिए चाइना हो गया, आपके पास चाइना हो गया, यहाँ से चाइना, यहाँ से यूएसए, ये दोनों आपस में इससे बात करने के लिए अपना आप को नेगोशिएट करता है एफटीए से। फिर इंडिया साइन एफटीए विद टू मेंबर्स, आपको पता है सिंगापुर और यहाँ पे थाईलैंड। क्यों सिंगापुर और थाईलैंड से इंडिया ने किया? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो चाइना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे सिंगापुर है, यहाँ पे बैंकॉक है, तो ये यहाँ से सब जने इस पे आते थे, यहाँ पे आते थे, क्योंकि यहाँ पे एक मलक्का है, मलक्का जलसंधि, यहाँ से ये निकलना चाहते थे। बट इंडिया ने क्या करा, इंडिया इनसे समझौता किया, किससे? सिंगापुर से। सिंगापुर से हो गया यहाँ पे, सिंगापुर से समझौता करने के बाद में मतलब इनसे एग्रीमेंट साइन करवाया, जिससे कि चाइना इस पे दबाव नहीं बना पाया। एक यही रीजन है कि चाइना अपने शिप को यहाँ पे नहीं ले का पाया। ऐसे पता आपको इंडियन ओशन में इधर तो अपने वहाँ पे कोई है भी नहीं, इसलिए कुदरत ने इंडिया को बहुत ही प्यारा शेप से बनाया, बहुत ही प्यारे डिजाइन से इनको एक तरह से निखारा है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें, इसके आपको ये देखना है, एफटीए टू मेंबर सिंगापुर थाईलैंड हो गया, और एशियन जो ओनली एक एशियन, मतलब कि एशियन जो है यहाँ पे एक ऐसी मेजर कंट्री पावर है जो कि दोनों चीज़ पॉलिटिकल सिक्योरिटी को भी देखती है और इकोनॉमिकल सिक्योरिटी को भी देखती है। तो आपको मैंने एक चीज़ यहाँ पे बता दिया, पहली बात आपको बता दिया मोटो वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, और 8 अगस्त को इसका मतलब कि 8 अगस्त को जो होता है इनका डेज मनाया जाता है, और इसका जो हेड मतलब कि जिसका जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पर लिख लेना हेडक्वार्टर कहाँ पर, इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया, जिसकी कैपिटल है जकार्ता। तो आप मुझे कमेंट करके बताना जकार्ता जो है कौन से आइलैंड पे है, कौन से आइलैंड पे है। तो मैं बता देता हूँ, चलो जावा आइलैंड पे है। किस पे? जावा आइलैंड पे है हेडक्वार्टर
पता चल गया आपको। इसके साथ एक चीज़ बता दूँ, एशियन बैंक से रिलेटेड, मतलब एशियन जो कंट्री है इनसे रिलेटेड एक बैंक भी है, ए डी बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर जो है आपको बता दूँ, हेडक्वार्टर कहाँ पर आपका मनीला, कहाँ पर मनीला, जो कि फिलीपींस का एक सिटी है, और ये 1966 में एडीबी बना था। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। और अभी जो प्रेजेंट में कितने, शुरुआत में 5 मेंबर थे, अब कितने मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और जो 10वां मेंबर बना था, वो 10वां मेंबर बना था 1999 में कंबोडिया। कौन बना था? कंबोडिया। अ ट्रिक मैंने बता दिया, तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर आईपीएल देख रहे थे। तो एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे कि तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर आईपीएल देखे। तो बी से आपको बता दिया बुरनई हो गया, सी से सिंगापुर हो गया, एस से सिंगापुर हो गया, सी से कंबोडिया हो गया, 2mm है, एक एम से आप म्यांमार बोल दो, एक से मलेशिया बोल दो, यहाँ पे आई से, टी से थाईलैंड हो गया, वी से वियतनाम हो गया, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एल से लाओस। तो ये सारे आपके नेम हैं। आई होप गाइस आज सबको पसंद आई होगी। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा सार्स का, वो भी मैं आपको इसी तरह से ट्रिक से सब कुछ बता दूंगा। गाइस प्लीज़ आप सारे सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे और मैं चीज़ों को ले आ पाऊँ। आई होप आप सबको ठीक लगा। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अच्छे से रिविज़न कीजिए। इस बार कम से कम आपको 95% लाना है। और डी यू में आपको पता है एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस देना है, मैं एंट्रेंस की भी कंप्लीट तैयारी करवा दूंगा इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच।